चैनल है जो आप लोगों को फॉलो करना है, साथ में हम लोगों के साथ में स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। अकेडमी द लर्नर्स ऐप है, तो आपको डाउनलोड करना है इसको प्ले स्टोर से। रोजाना मेरी 10 बजे क्लास होती है सुबह, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। पहली बार आ रहे हैं तो 80 से कोड यूज कर लेंगे। फ्री क्लासेस है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, क्लास पहली बार आ रहे हैं। बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ समझनी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, राइट। और बेस्ट थिंग इज व्हाट, जब आप रिवीजन कर रहे हैं ढंग से कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस भी करना चाहते हैं। आज का ऑफर बहुत अच्छा है, आज लास्ट डे है। आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। पर्सनल मेंटोरशिप, टेस्ट मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल, ये सब चीज़ें आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। तो आज आपके पास प्रॉपर 20% ऑफ का ऑफर है ना। तो ये कुछ नए बैचेस हैं जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20% ऑफ में आपको 31,600 रुपये में आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लें 20% ऑफ के बाद है। 80 सेट कोड यूज़ कर लें और 9 मंथ आइकॉनिक में आप 55,000 यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है, आप दोनों में से कुछ भी एक यूज़ करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। नया बैच है ये वाला, इसमें स्टार्ट, ठीक है। साथ में आप कॉम्बो ऑफर में सिर्फ 36,000 में अराउंड आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द CBSE आप ले सकते हैं, और आइकॉनिक में आप ये 60,000 के अराउंड में पड़ जाएगा। EMI के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑफर आज के लिए हैं, तो इसको आप अवेल करें, आज लास्ट डे है, इंपॉर्टेंट। एंड द बेस्ट थिंग इज कोटा लखनऊ में हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, क्लासेस स्टार्टेड है। पटना नोएडा में भी ये चीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो आप वहाँ भी जाकर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस लर्निंग भी करना चाहते हैं, घर पर बैठ कर हमारे कंटेंट देखना चाहते हैं, ऑफलाइन प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, या 32 टेस्ट हैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, तो भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, काफ़ी कुछ कल हो गया था, थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, उसको क्विक फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने शायद यहाँ तक कर लिया था, यस 100 अराउंड की बातें हो गई थी, यस मुझे जो याद आ रहा है लगभग कितने क्वेश्चन हो गए थे, हाँ तो यहाँ से स्टार्ट करना था जो मुझे याद आ रहा है। कुछ छूट गया होगा तो उसको एक बार आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, कुछ इतना टफ है नहीं, यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, राइट स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करना था ना। एम आई ऑडिबल प्रॉपर सारे बच्चे, क्या मैं प्रॉपर ऑडिबल हूँ? तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड टू डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, काम बन जाए। हाँ, आवाज ठीक है और वॉइस ठीक है, और कहाँ से 103 से स्टार्ट करना है ना, ये दो तीन चीजें बता दो। Since RNA is involved, adenine will pair with 104 की बात करें, यूरासिल की बात करें, ठीक है, चलो परफेक्ट। In transcription, both segment of DNA are copied into what? 105 की बात करें, it is false. दोनों segment नहीं copy, single. हाँ, 106 की बात करें, if both the strand of DNA is transcribed, two molecule of RNA with similar sequence नहीं, different sequence. डिफरेंट सीक्वेंस, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे मेरे साथ, ठीक है। 107, अनदर कॉम्प्लिकेशन यूजिंग अराइजेस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 107 है ना। अगर ये बन जाएगा तो इट विल नॉट फॉर्म, ये है ना, ये कभी भी प्रोटीन विल नॉट फॉर्म, प्रोटीन विल नॉट फॉर्म, क्लियर। छोटी सी बात, नेक्स्ट 107 की बात करें, ये हो गया नहीं तो हो गया। 108 की बात करते हैं, 108 ये तो हो गया, 108 की बात करते हैं। सिमिलर टू रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो आकर बाई डायरेक्शनली, क्या ये बात सही है? तो आंसर इज फॉल्स, वो सिंगल स्ट्रैंड पर, बिल्कुल ठीक बात है शिफा, ठीक है, बढ़िया बेटे। 109 की बात करें, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, सबको पता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग सीक्वेंस और टर्मिनेटर, मोटर, स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग, टर्मिनेट, ये चार चीजें हैं, क्लियर है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या ये बात ठीक है? तो अगर ये 3 to 5 स्ट्रैंड है टेम्पलेट, तो 5 to 3 क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल क्लियर सी बात।
अब इसका आरएनए सीक्वेंस क्या होगा आपको सबको पता है। हाँ जी, आरएनए सीक्वेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर का तो आपको सबको पता होना चाहिए, यूएए है ना, ऊपर वाले का। आरएनए हमेशा टेम्पलेट का बनता है, याद, यूएए, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ गया, जी 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 ऐसे करके आप, सी जी यू ए सी जी लाइक दिस है ना। और यहाँ पर 5 to 3 दिस विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ए बी सी एंड डी, यहाँ ये अभी अभी आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, सबको पता है। प्रमोटर है, फिर टर्मिनेटर है, इज व्हाट, नथिंग। प्रमोटर बी क्या है, टर्मिनेटर, क्लियर। सी क्या है, टेम्पलेट। डी क्या है, कोडिंग, बातें क्लियर। डी क्या है, कोडिंग, बहुत आसान, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉपर समझनी होगी, प्रॉपर समझनी होगी, डन। विथ रेफरेंस टू स्ट्रक्चर जी ने इंडिकेट द लोकेशन ऑफ प्रमोटर एग्जैक्टली कहाँ पर, अपस्ट्रीम। टर्मिनेटर कहाँ है, स्ट्रक्चरल है ना, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जी। और ये डाउनस्ट्रीम, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं। 114 की बात करें, 114 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ बेस, है ना, ये बात सबको समझ में आ रहा है। और एंड ऑफ द प्रोसेस कौन करवाता है, टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर, छोटी सी बात। स्ट्रेच ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड, टीए की बात कर रहे हैं, 116, इसको प्रिब्नो बॉक्स, टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स, राइट, याद नहीं पता तो याद कर लेना, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। साइंटिफिक टर्म फॉर फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सबको पता होना चाहिए, जीन, मेरे जस्ट पीछे छिप रहा है जीन, ठीक है। गिव द साइंटिफिक टर्म फॉर डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, हमने पढ़ लिया था, सिस्ट्रॉन, ठीक है, ऑलरेडी क्या वर्ड यूज किया था, सिस्ट्रॉन की बात है, छोटी छोटी चीजें हैं, दिमाग में फिट है। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट, अच्छा पॉलीसिस्ट्रॉनिक अगर बैक्टीरिया में है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक इसमें है, यूकेरियोट्स में, क्या यूकेरियोट्स, जीन इज इन यूकेरियोट्स आर स्प्लिट, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सॉन एंड एंट्रॉन दोनों ही हैं, बातें समझ में आ रही, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही हैं, बिल्कुल क्लियर सर। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, एक्सॉन और इंट्रॉन की बात, कोडिंग एक्सॉन होता है सब, क्लियर, वहां पर भी मैच्योर, और उसमें कौन सा मिलता है, एंट्रॉन नहीं मिलता, एक्सॉन मिलता है ना, उसमें भी कौन से मिलते हैं बच्चों, एग्जॉन्स मिलते हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं, कंसेप्चुअली समझोगे तो ज्यादा बेहतर, डन। 150 अराउंड क्वेश्चंस करेंगे, है ना, एक बार इसको क्विक देख लेना, बहुत आसान आसान से इसलिए बता रहा हूं, ये चैप्टर की आसान, 123 ए का क्या जाएगा वैसे, टीआरडी है ना, बी का क्या जाएगा, ए जाएगा, सी में क्या जाएगा, ये जो है, यस, डी में क्या जो है, आर, तो ये आसान है, क्लियर, डन डन, तो बेसिक से चीज थी जो आपको पता है, बेसिक सा फंडा है, डन। नेक्स्ट 124, नेम द आरएनए दैट कैटालिटिक रोल जो प्ले करता है, तो राइबोसोमल आरएनए कैटलिस्ट के तरह, सबको पता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजर्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया, सो जरा डीएनए पॉलीमरेज है, नहीं, दिस इज आरएनए, ठीक है, डन। टू बिगिन विद द ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन 126, प्रमोटर रीजन ऑब्वियसली बात, एंड ये सब चीजें पता होनी चाहिए, हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, हम सारी चीजें पढ़ते हैं, बट हम कंसेप्चुअली नहीं उस चीज को समझ पा रहे, सब पता बेसिक चीज है। 27 इन प्रोकैरियोट्स व्हाट, क्या सिंगल,
आरएनए पॉलीमर्स। आरएनए पॉलीमर इज रिक्वायर प्राइमर एंड हैज द एबिलिटी टू रिपेयर मिस्टेक इन आरएनए 128। तो ये बात सही है गलत है पूरी तरह से गलत है। हाउ मेनी अदर फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें 29। एक तो कोर एंजाइम होता है सबको पता है कोर एंजाइम और साथ साथ में आप कोर एंजाइम टू विल बी द आंसर इन दोनों को बता दो क्लियर। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी तक क्लियर कोई दिक्कत नहीं। चलो आज थ्री स्टेप्स की बात करें आप रीअरेंज कर रहे हैं थ्री स्टेप्स को रीअरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सा होगा दिस विल बी द फर्स्ट दिस विल बी द सेकंड और ये जो लास्ट वाला स्टेप भाई पहले तो ये जुड़ा फिर आगे बढ़ा और फिर टर्मिनेटर तो थर्ड हो जाएगा ये तो पक्की बात है। सबसे आगे कौन है सी वाला है कि नहीं है तो सी ए बी विल बी द आंसर सी ए बी यस हाँ बिल्कुल बड़े बड़े हैं बहुत बड़े। चलो अगली बात ड्यूरिंग इनिशिएशन द स्टेप इन्वॉल्व्स प्रमोटर रिकॉग्नाइज करेगा सबसे पहले ठीक तो उसके बाद क्या होगा हाँ जी उसके बाद क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल बबल ठीक है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल क्लियर। नेक्स्ट यहां पर फॉस्फोडाइस्टर नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉस्फोडाइस्टर बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ व्हाट सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम एलोंगेट द चेन ये बिल्कुल बेसिक सी बात। नेक्स्ट वन आरएनए पॉलीमरेज यूज एज व्हाट 33 की बात कर रहे हैं तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग ये इनिशिएशन फैक्टर है तो ये टर्मिनेटर फैक्टर में आपका आपके पास हाँ जी जल्दी से रो फैक्टर आंसर विल बी व्हाट रो फैक्टर बिल्कुल क्लियर है परफेक्ट। 34 35 बताओ भाई 35 यहां पर इन बैक्टीरिया ट्रांसलेशन बिगन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब बिकॉज उसमें वो एक ही कंपार्टमेंट पे होता सेकंड विल बी द आंसर ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स तो यूकेरियोट्स न्यूक्लियस में होते हैं यूकेरियोट्स में तो 36 में ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल आप जो लिखना चाहो साइटोप्लाज्म कोई दिक्कत नहीं टाइप ऑफ आरएनए 37 की बात कर पॉलीमरेज टू अरे पॉलीमरेज थ्री आरएनए पॉलीमरेज वन आरएनए पॉलीमरेज टू आरएनए पॉलीमरेज थ्री याद बिल्कुल क्लियर सी बात पिक द ऑड वन 39 की बात करेंगे 39 की बातें करेंगे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आसानी से आप छोटे छोटे से तो यहां पर स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग तो ठीक है बट दिस वन इज ऑड ठीक ये ऑड है एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन प्रोसेस एक्सॉन आर एक्साइज्ड एंड हाइड्रोलाइज्ड बिफोर एमआरएनए मूव आउट टू द न्यूक्लियस 140 ये तो चीजें उसके बाद ही होंगी क्योंकि ये यूकेरियोट्स की बात हो रही है। मोस्ट यूकेरियोट्स प्री एमआरएनए आर मैच्योर्ड बाय अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन इन देयर एंड These modifications are known as आपको क्या बोल सकते हैं post transcription modification और आप क्या कह सकते हैं capping or tailing ठीक है। 42 की बात कर रहे हैं भाई छोटी छोटी सी चीजें हैं कंसेप्चुअली समझो ये आपके एनसीईआरटी में भी चीजें हैं एनसीईआरटी में भी प्रॉपर ये डायग्राम वगैरह हैं तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर और उसके बेसिस पर आंसर देना तो पहला क्या है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स किसका है सीधा सा क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स राइट नेक्स्ट एक्सॉन एंड इंट्रॉन टुगेदर मेक दी व्हाट किसकी बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट
HNRM ने भी बोल सकते हो, बट ओरिजिनल वर्ड जो NCERT में दिया प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दिया. इंड्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर जॉइंट इन अ डिफाइंड ऑर्डर बाय अ प्रोसेस. थ्री की बात करें स्प्लाइस. HNRNA undergo two additional process for maturation. अगर फोर्थ की बात तो उसमें क्या है, कैपिंग और टेलिंग. एक तो कैपिंग हो गया ठीक है, और यहाँ पर यहाँ एडेनाइलेट रेजिड्यूज, एडेनाइलेट रेजिड्यूज आर एडेड एट थ्री प्राइम एंड इन टेम्परेट इंडिपेंडेंट मैनर बाय द प्रोसेस कॉल्ड. तो इसको पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं. क्या पॉली एडेनाइलेशन? मेरे जस्ट पीछे है बट आप उसको समझ लेंगे. पॉली एडेनाइलेशन याद रखेंगे. आखिरी का कुछ क्वेश्चन और हैं. फुली प्रोसेस HNRNA इज कॉल्ड एग्जॉन. चीज़ें आपको पता है 143 की बात. क्या इसको HNRNA बोलते, ये एग्जॉन बोलते? नहीं, उसको mRNA बोलेंगे. फॉल्स. मेच्योर यूकैरियोटिक mRNA हैज फाइव प्राइम कैप दैट इज रेजिड्यू ऑफ व्हाट. 144 की बात करें तो 7 मिथाइल गुआनोसाइन. इसकी बात जेनेटिक कोड की क्विक बात कर लेते हैं. साइंटिफिक टर्म उसका जेनेटिक कोड ही हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं. क्या ना जेनेटिक कोड. अब जरा देखो मैच करो. जॉर्ज गैमो साहब ने क्या किया था? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, पहली बार बताने वाले थे. जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है ये बात पहली बार बताने वाले कौन थे? जॉर्ज. नेक्स्ट थोड़ा सा और समझो. तो सिंथेसाइज डालने मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. ये हरगोविंद खुराना सर थे अपने पहले. हरगोविंद खुराना राइट. सेल्फली सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नीरन बर्ग ने किया था. सेल्फली सिस्टम याद है? क्लियर डन. एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए किसने किया था? तो सेवरो का. Mention the characteristic feature of genetic code associated with the following characteristics. 147 तो ये पता है. ट्रिपलेट की बात की है ना. थ्री नाइट्रोजन बेस कोड स्पेसिफाई फॉर. तो ये यूनिवर्सल की बात हो गई. कोड यूनिवर्सल होते हैं. कोडॉन इज रीड कॉन्टिन्यूसली तो उसको बोलते हैं कॉमनलेस या कॉन्टिन्यूस मैनर. कॉन्टिन्यूसली तो more than one codon code for one amino acid, that's a degeneracy. Degenerate. Clear. AUG perform dual function, बिल्कुल ठीक बात है. Initiation codon, terminator में UGA, UAA, UAG. है ना? अंबर उपल ऑकर सबको पता है बट ये आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए नहीं पढ़ाते. ठीक है. नेक्स्ट ऑड बताएंगे यहाँ पर. छोटी सी बात 150 की बात करें. क्लियर. तो जी यू जी क्यों? बाकी सारे टर्मिनेटर हैं. ये टर्मिनेटर बट ये कुछ कोड तो करता है. बात क्लियर. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और उससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है. आज के लिए इतना ही. बाकी हम लोग कल करेंगे, नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर कोई भी हेल्प चाहिए. ये कोड है 80 सर, और इस कोड से आज में आपको 20% ऑफ नॉर्मल मिल रहा है. अदरवाइज 49% ऑफ आपको इसमें मिल रहा है कॉम्बो. ठीक है. आप पढ़ते रहो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो. कोई भी हेल्प चाहिए बताना. एंड यस वीडियो लाइक कर देना. ठीक है बच्चों, वीडियो लाइक कर देना. पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हार्ड